बहुत बहुत नमस्कार जी, खुश रहिए। मेरा छोटा सा सवाल है जी गुरु जी, कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया? माइक पास में लीजिए। मेरा फिर से सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया? मनुष्य ने ईश्वर को बनाया कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया? हाँ, ऐसा? हाँ जी। देखो, ईश्वर ने ही सबको बनाया, परमात्मा ने ही सबको बनाया है। रही बात मूर्तियों की, तो मूर्तियों में जो मूर्तिकार होता है इंसान, वही पत्थर की कटिंग करके एक मूर्ति का शेप देता है। प्रतिष्ठा होती है तो वो भगवान कहलाते हैं। भाई ये बताओ कि हम जब काखा गाघा पढ़ने, ABCD पढ़ने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी हमें एक पुस्तक मिलती है जिसमें ABCD लिखी रहती है। लिखी रहने से ये हो जाता है कि पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, देख लो और उसी तरह लिखने की कोशिश करो तो आसानी हो जाती है। वैसे शब्दों का जो होता है ना, शब्द जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, शब्दों का कोई रूप और रंग नहीं होता। हम लोगों ने अपनी जान पहचान के लिए ए को ऐसे बना रखा है, दो डंडे खड़े कर दिए, बीच में क्रॉस कर दिया, ए हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे इंग्लिश के ABCD को, हिंदी के काखा गाघा को पहचानने के लिए हम लोगों ने उसे एक रूप दे रखा है कि ए ऐसे बनेगा, आ ई उ ऐसा बनेगा। उसी तरह ईश्वर को किसी रूप रंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी हम कैसे बताएं आप लोगों को कि भगवान दिखते कैसे हैं? तो आप लोगों को बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक पत्थर में एक सुंदर सी आकृति प्रदान कर दी और कह दिया कि देखो आप इनको देख लो, इनमें ही उस परमात्मा की कल्पना कर लो कि ईश्वर वैसा है। तो इंसान ने भगवान नहीं बनाया, भगवान तक पहुंचने के मार्ग बनाए हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का ये भी मार्ग है। जगन्नाथ जी कौन है, बिहारी जी कौन है, ये कोई मूर्तियां नहीं हैं कि हमने बनाए हैं, ये प्रकट हुई हैं। बिहारी जी को हरिदास जी ने प्रकट किया है, ठाकुर जी जगन्नाथ जी खुद प्रकट हुए हैं, खुद भगवान आके उनको बनाए हैं। तो भावना है, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप किसी चोर को पकड़ने जाएंगे पुलिस थाने में, कहेंगे कि भाई साहब चोरी कर लिया है, तो पुलिस पूछेगी ना कि हुलिया कैसा है चोर का, क्या आपने देखा है? फिर आप बताएंगे हाँ जी उसकी नाक ऐसी है, आँख। फिर स्केच बनवाते हैं आप लोग पुलिस थाने में, उसके हिसाब से चोर को ढूंढने में पुलिस की आसानी हो जाती है, हाँ या ना? उसी प्रकार हमारे चित्त चोर हैं, वो भी चित्त चुराते हैं, हम भी पूछते फिरते हैं भाई हमारे चोर को कहीं देखा है? तो ऋषि मुनियों ने उनकी आकृति बना दी कि सुंदर ऐसे हैं, उनके बाल घुंघराले से हैं, आँखें कजरारी सी हैं, नाक बड़ी सुंदर, अधर बड़े सुंदर। तो उसी शास्त्रों में जो उनकी सुंदरता की बात कही गई, उसी हिसाब से किसी ने पेन लिया, कागज लिया और वो उतार दी छवि उस परमात्मा की, उसके हिसाब से वही है। तो ईश्वर को हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया, लेकिन उस ईश्वर का वेद पुराणों में जिक्र है कि वो ऐसे दिखते हैं, आँखें ऐसी हैं। आप किसी अच्छे मूर्तिकार, सॉरी अच्छे किसी पेंटर, पेंटिंग करने वाले से आप किसी का हुलिया बताते जाइए, वो अपने आप बनाता चला जाएगा, वैसे ही बनाएगा जैसा आप हुलिया बताएंगे यदि अच्छा है तो। उसी प्रकार शास्त्रों में ईश्वर का हुलिया लिखा हुआ है तो बना दिया, उसी हिसाब से फिर पत्थरों में, जैसे आपकी भी तस्वीर पत्थर में बन जाएगी, आकृति बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी। तो बनने को उसी तरह, ईश्वर पत्थर नहीं है, ईश्वर माटी नहीं है, लेकिन ईश्वर कण कण में रहने वाला है, उस तक पहुंचने के लिए मूर्ति का हम लोग आश्रय ले लेते हैं। जैसे काखा गाघा ABCD पढ़ने के लिए हम लोग पहाड़े का आश्रय ले लेते, पहाड़ा जानते हैं जिसमें लिखा होता है ABCD, उसको पहाड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। तो पहाड़े का माध्यम लेकर के हम उसे पढ़ लेते हैं, ABCD हमारे मस्तिष्क में आ गई, काखा गाघा आ गया, अब पहाड़े की ज़रूरत नहीं। जब परमात्मा ध्यान में आने लगे, हृदय में उतर गए, फिर मूर्तियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मंदिरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सर्वत्र है। फिर तो अनुभव हो गया, फिर तो यहीं बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, पर शुरुआती में मंदिरों की ज़रूरत पड़ती है।
धन्यवाद जी। समझ में आई आपको? खुश रहिए।